पहला आ गया 27 सेंटीमीटर क्यूब, सेकंड वन आ गया 64 सेंटीमीटर क्यूब, थर्ड वन आ गया 125 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि थर्ड का जो हमारा वॉल्यूम लेंथ थी वो 5 था, तो 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 125 सेंटीमीटर क्यूब। 20 सेंटीमीटर अब हमने न्यू वाले जो हमारा एक बना क्यूब उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, कर देंगे वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 प्लस वॉल्यूम 3। ये जो हमारे पास तीनों वॉल्यूम्स निकले हैं हर क्यूब का, L1 का, L2 का, L3 का, उन तीनों को प्लस कर देंगे, 27 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 64 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 125 सेंटीमीटर क्यूब, तीनों को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो न्यू हमारे पास एक जो क्यूब बन रहा है उसका वॉल्यूम आ जाएगा जो कि है 216 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब हम लोगों ने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया एक न्यू क्यूब का, ठीक है। वो कैसे किया कि पहले इन तीनों का वॉल्यूम फाइंड आउट किया हर क्यूब का, फर्स्ट सॉलिड क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट किया, फिर सेकंड सॉलिड क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट किया, फिर थर्ड सॉलिड क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट किया। जब तीनों का वॉल्यूम्स हमारे पास आ गए हैं, उनका आंसर आ गया, तो हमने तीनों को प्लस कर दिया, तो हमारे पास जो न्यू सॉलिड क्यूब इन तीनों को मिलकर बना था उसका वॉल्यूम आ गया। अब हम लोगों ने इसी तरह सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, अगेन इनकी लेंथ लिख लेते हैं। L1 की लेंथ थी 3 सेंटीमीटर, L2 की थी 4 सेंटीमीटर, L3 की थी 5 सेंटीमीटर। सर्फेस एरिया ऑफ फर्स्ट क्यूब, अगेन हमारा ये क्यूब है तो इसका सर्फेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 6L का स्क्वायर। ये जो L1 साथ लग रहा है ना, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये आपको बता रहा है कि ये फर्स्ट वाले वॉल्यूम का सरफेस एरिया, ठीक है। आप 6L1 स्क्वायर, L1 जो है यहाँ पे यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये किसके फर्स्ट वाले आपके जो क्यूब था उसका सरफेस एरिया, 6L स्क्वायर फॉर्मूला होता है, ठीक है। L1 मींस कि हम यहाँ पर L1 की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, 6L का स्क्वायर। यहाँ पे देखें, ये 6L का स्क्वायर था, 6 लिखा, L1 हमारे पास था 3 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर 3 सेंटीमीटर, स्क्वायर मींस के 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर होगा, 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास किस चीज़ का सरफेस एरिया आ गया, फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट क्यूब था उसका सरफेस एरिया आ गया। अब 6L2 का स्क्वायर मींस के अब सेकंड वाले हम लोग जो क्यूब है उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करने लगे हैं, उसकी लेंथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर थी, तो 6 × 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह थर्ड क्यूब जो था वो 6L3 का स्क्वायर है, L3 उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर थी, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 × 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 25 सेंटीमीटर हो जाता है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप ये देखो, ये टोटल सरफेस एरिया आ गया फर्स्ट क्यूब का, ये आ गया सेकंड क्यूब का, ये आ गया थर्ड क्यूब का। अब हम लोगों ने न्यू वाले जो क्यूब है उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे करेंगे, इन तीनों को प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने उन तीनों जो क्यूब्स थे उनको मेल्ट किया और उनकी हेल्प से उनको इकट्ठा करके एक तीसरा क्यूब बनाया, तो ऑब्वियसली उन तीनों का सरफेस एरिया भी उसके साथ ऐड हो रहा था, वो एक अलग से क्यूब बन रहा है। तो हम लोग तीनों का सरफेस एरिया S1 प्लस S2 प्लस S3, S यहाँ पे सरफेस एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे V1 V2 V3 किया था ना, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3, तो ये S1 S2 S3 सरफेस एरिया 1 सरफेस एरिया 2 सरफेस एरिया 3, इन तीनों को प्लस कर देंगे इनकी वैल्यूज उठा के, तो हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा न्यू सॉलिड क्यूब का जो है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर।